दोस्तों, हम में से कई लोगों को फ़ोटोज़ खींचने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और हम इतनी सारी फ़ोटोज़ खींच लेते हैं कि एक दिन हमारे फ़ोन में जो है स्टोरेज कम पड़ जाती है, क्योंकि आजकल के कैमरे से खींची हुई फ़ोटोज़ का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 MB, 6 MB, 7 MB, तो इस तरह के साइज़ होते हैं, और हम पुरानी फ़ोटोज़ को डिलीट भी नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो दोस्तों, आज मैं इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं आज आपके लिए ऐसा कंप्रेसर लेकर आया हूँ, ऐसा फ़ोटो कंप्रेसर लेकर आया हूँ जो आपकी फ़ोटो को कंप्रेस करेगा, 10 गुना साइज़ आपकी फ़ोटो का कम कर देगा, लेकिन क्वालिटी जो है वैसे की वैसी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारे इस वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दो इमेजेस दिखाऊंगा, एक है कंप्रेशन से पहले की और एक है कंप्रेशन के बाद की। और ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये है कंप्रेशन से पहले की इमेज, और अब जो आपको दिखाऊंगा वो है कंप्रेशन के बाद की इमेज। तो आप दोनों में जो है डिफरेंस पता करके मुझे बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आया होगा कंप्रेशन के बाद भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी तरह से जो है कंप्रेस करता है और क्वालिटी को जो है मेंटेन रखता है। और दोस्तों, ये 5 MB की फ़ोटो थी जिसे मैंने सिर्फ 500 KB में किया है, सिर्फ 500 KB में, यानी कि 10 गुना साइज़ कम और क्वालिटी वैसी की वैसी ही। तो दोस्तों, ये कैसे करें? तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट फ़ोटो। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन, दो ऑप्शन है, कंप्रेस फ़ोटोज़ या फिर क्रॉप फ़ोटो। तो आपको कंप्रेस फ़ोटोज़ को लेना है। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 4.9 MB की इमेज है, इसको हम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि कितना परसेंट आपको जो है फ़ोटो को कंप्रेस करना है। तो इनका डिफ़ॉल्ट जो है वो है 80%। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए और बस आप स्टार्ट कंप्रेस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप स्टार्ट कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो जो है कंप्रेस हो जाएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पहले का साइज़ और अभी का साइज़ दिखाया गया कि पहले आपकी जो फ़ोटो थी वो थी 4.9 MB की और अभी ऐसे 538 KB की। तो बहुत ज़्यादा फर्क है साइज़ में और फ़ोटो की क्वालिटी जो है वैसे की वैसी रहती है, लगभग लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कंप्रेस होने के बाद भी ये सॉफ्टवेयर या फिर ये एप्लीकेशन जो है आपकी इमेज की क्वालिटी को काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करता है। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आई सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। मैं सचिन, साइनिंग ऑफ।